हे एवरीवन, दिस इज़ गीतांजलि। आज हम स्टार्ट करेंगे इंडियन लिमिटेशन एक्ट का सेक्शन 17, जो कि डील करता है इफेक्ट ऑफ फ्रॉड। अब हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन 17। देखिए, सेक्शन 17 को स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि सेक्शन 17 अप्लाई होता है सूट्स पर और एप्लीकेशंस पे। सेक्शन 17 अपील्स पे अप्लाई नहीं होता। उसके बाद सेक्शन 17 में जो ये बात कहते हैं वो ये कि एक पर्सन ने दूसरे पर्सन के ऊपर सूट फाइल किया, क्योंकि ये जो दूसरा पर्सन है, चाहे डिफेंडेंट है, रिस्पोंडेंट है या इनका कोई एजेंट है, इन डिफेंडेंट, रिस्पोंडेंट या इसके किसी एजेंट ने उस प्लेंटिफ के साथ फ्रॉड किया हो और प्लेंटिफ ने उस फ्रॉड के बेसिस पे अगर इन लोगों के ऊपर सूट फाइल किया है और दूसरा प्लेंटिफ के किसी राइट और टाइटल को कंसील करते हुए उसके साथ फ्रॉड किया गया, जिसकी वजह से प्लेंटिफ अब डिफेंडेंट या रिस्पोंडेंट या उनके एजेंट के ऊपर सूट फाइल कर रहा है। नंबर 3, प्लेंटिव डिफेंडेंट रिस्पोंडेंट या उनके एजेंट के अगेंस्ट सूट फाइल कर रहा है, उस सूट में वो रिलीफ मांग रहा है। कौन सी रिलीफ? के उसके साथ मिस्टेक कमिट करते हुए इन लोगों ने कोई एक्ट किया है। ध्यान रहे, सेक्शन 17 में क्या है? फ्रॉड, कंसीलमेंट और मिस्टेक। और ये फ्रॉड, कंसीलमेंट और मिस्टेक कौन कर रहा है? डिफेंडेंट, रिस्पोंडेंट या उनके एजेंट। तो इसके लिए वो कहते हैं कि अगर प्लेंटिव के साथ कोई फ्रॉड, कोई कंसीलमेंट या मिस्टेक होते हुए कोई एक्ट डिफेंडेंट या रिस्पोंडेंट या उनके एजेंट ने किया, तो इस केस में जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन है तब रन करना स्टार्ट करेगा जब प्लेंटिव को इन चीज़ों की नॉलेज होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए एक एफ है, यानी कि एक फादर है, इनकी जो ये प्रॉपर्टी है इनके ब्रदर है ए, उसके पोजेशन में है। अब इस फादर ने क्या किया, जब इनकी डेथ होने वाली थी उससे पहले इन्होंने एक विल बनाई जिसके अंदर इन्होंने अपनी ये प्रॉपर्टी बी को दे दी, यानी कि ये प्रॉपर्टी जो इनके ब्रदर के पोजेशन में थी अपने ब्रदर को ना देते हुए विल बनाई, रजिस्टर्ड विल, और बी को दे दी। अब यहाँ पे ए जो इनका ब्रदर था उसको पता चल गया कि ये जो मेरा ब्रदर था एफ, ये बी के फेवर में विल बना के गया जो कि रजिस्टर्ड विल है, बट बी को नहीं पता कि ये जो ए है ये इसका ब्रदर है, और इस बी को नहीं पता कि एफ ने मेरे फेवर में कोई विल बनाई है किसी प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग। अब ये ए इसके बी के कांटेक्ट में आता है और इस प्रॉपर्टी को सेल कर देता है बी को, मतलब कि बी की प्रॉपर्टी बी को ही सेल कर रहा है। मतलब यहाँ पे ए ने क्या किया, फ्रॉड कमिट किया बी के साथ, बट बी को नहीं पता कि मेरे फेवर में कोई विल भी है। तो इस केस में कॉज ऑफ एक्शन तो अराइज हो जाएगा जिस दिन इस ए ने इस बी को प्रॉपर्टी सेल करी थी, बट बी को नहीं पता कि मेरे फेवर में ऐसी कोई विल भी है। कुछ टाइम निकला, यहाँ पर आकर बी को पता चलता है कि ए तो कि एफ तो ऑलरेडी मेरे फेवर में विल करके गया था, यानी ये प्रॉपर्टी मेरी ही थी, और ए ने क्या किया, मेरी प्रॉपर्टी मुझे ही बेच दी। तो यहाँ उसको नॉलेज हुई, तो जब से उसको नॉलेज हुई, यानी कि जब उसको पता चला कि मेरे साथ फ्रॉड कमिट हुआ है, तो यहाँ से पीरियड ऑफ लिमिटेशन जो है रन करना स्टार्ट करेगा। अब आते हैं हम सेक्शन 17 के प्रोवाइजो पे। देखिए, यहाँ ये प्रोवाइजो में क्या बात करते हैं कि एक पर्सन ने किसी दूसरे पर्सन से फ्रॉड करते हुए कोई प्रॉपर्टी ऑब्टेन करी और उस प्रॉपर्टी को किसी थर्ड पर्सन को बेच दिया। अब जिस थर्ड पर्सन को बेचा उसे नहीं पता था कि ये प्रॉपर्टी इस पर्सन ने फ्रॉड से ऑब्टेन करी है, उसने तो पैसे देकर और ये प्रॉपर्टी उससे ले ली, सेल्स परचेज कर ली उससे ये प्रॉपर्टी। तो यहाँ ये इस परचेजर को सेव करने के लिए कहते हैं कि ये जो परचेजर है, अगर इन फ्यूचर जिस पर्सन के साथ फ्रॉड हुआ है उसे पता चल जाता है कि मेरे साथ फ्रॉड हुआ है और वो सूट फाइल करता है, तो इस थर्ड पर्सन को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब इसे हम समझते हैं कि एग्जांपल से ये यहाँ प्रोवाइजो में क्या कहना चाहते हैं कि मान लीजिए एक पर्सन है बी, इसने ए के साथ फ्रॉड कमिट किया और उससे प्रॉपर्टी ऑब्टेन कर ली। अब ए को नहीं पता कि मेरे साथ कोई फ्रॉड हुआ है। अब इस बी ने क्या किया, ये प्रॉपर्टी ऑब्टेन करके सेल कर दी सी को, और सी से जो वैल्यूएबल कंसीडरेशन था, जितना पैसा बनता था उस प्रॉपर्टी का, ले लिया।
अब यहाँ पे ए को पता चलता है कि मेरे साथ तो फ्रॉड किया है बी ने और आगे प्रॉपर्टी भी सी को बेच दी। तो यहाँ जब ये इसकी नॉलेज में आया कि मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, तो अब ये बी के ऊपर सूट फाइल करेगा। तो ये बी के ऊपर सूट फाइल करके इस प्रॉपर्टी का जितना पैसा इसने सी से लिया था वो तो रिकवर कर सकता है, यानी कि जो कंपनसेशन है मनी वैल्यू वो तो रिकवर कर सकता है। बट अगर ये चाहे कि मैं इस सी ने जो ये प्रॉपर्टी परचेज करी है मैं इसे सेट असाइड करा दूं, या मैं इसे रिकवर कर लूं, या मैं इसे एनफोर्स करा दूं, तो ये काम ये नहीं कर सकता, क्योंकि सी एक ऐसा पर्सन है जिसे नहीं पता था कि जो मैं प्रॉपर्टी ले रहा हूँ वो फ्रॉड से आई हुई है, और उसने तो जितना पैसा उस प्रॉपर्टी का बनता था वो देते हुए वो प्रॉपर्टी परचेज करी थी। तो उसे इन फ्यूचर जब भी इस पर्सन को पता चलेगा तो उस थर्ड पर्सन को जो परचेजर है उसे कोई हार्म नहीं होगा, यानी कि चाहे भले ही ये प्रॉपर्टी फ्रॉड से आई हो, कंसीलमेंट से आई हो, या मिस्टेक से आई हो, बट जो ये थर्ड पर्सन है इसने जो ये पैसे देकर यानी वैल्यूएबल कंसिडरेशन देकर जो ये प्रॉपर्टी ऑब्टेन करी है उसे फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद आते हैं हम सेक्शन 17 के क्लोज 2 पे। देखिए यहाँ जो सेक्शन 17 का क्लोज 2 है ये डील करता है एग्जीक्यूशन से। मान लीजिए एक पर्सन ने सूट फाइल किया दूसरे पर्सन के अगेंस्ट, बी के अगेंस्ट सूट फाइल किया ए ने, तो जो कोर्ट ने ये डिक्री दी वो ए के फेवर में दी, यानी कि ए हुआ डिक्री होल्डर। अब जब ए के फेवर में डिक्री आई है तो वो इस डिक्री को एग्जीक्यूट कराने के लिए एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन डालेगा। अब यहाँ बी ने क्या किया, ए को या तो फोर्स ऑब्टेन करके या फ्रॉड से उसको एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन फाइल ही नहीं करने दी। और आपको पता है किसी डिक्री की एग्जीक्यूशन का जो प्रेस्क्राइब पीरियड होता है वो होता है 12 ईयर्स, यानी 12 साल तक इसके ऊपर फोर्स ये फ्रॉड करके रखा इस जजमेंट डेटर ने, ताकि ये डिक्री होल्डर जो है कोर्ट में एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन फाइल ही ना कर पाए। और जब ये 12 साल निकल गए तब जाकर इस डिक्री होल्डर का ये फोर्स या फ्रॉड सीज हुआ, यानी तब जाकर इसका ये फोर्स या फ्रॉड ख़त्म हुआ। तो उसके बाद ये कहते हैं कि जब भी प्रेस्क्राइब पीरियड के बाद, एग्जीक्यूशन की प्रेस्क्राइब पीरियड के बाद अगर डिक्री होल्डर का फोर्स या फ्रॉड सीज होता है तो वहाँ से एक साल उसे और मिलता है इस एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन को फाइल करने का। अब इसे हम समझते हैं डायग्राम से। ये यहाँ क्या कहना चाहते हैं कि मान लीजिए ये डिक्री होल्डर था, जब से इसका कोज ऑफ एक्शन अराइज हुआ कि ये एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन फाइल कर सके, इसे मिलते हैं 12 साल, यानी ये 12 साल में अपनी इस एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन को फाइल कर सकता है। बट ये जजमेंट डेटर ने क्या करा, इस डिग्री होल्डर के ऊपर फोर्स ऑब्टेन करके रखा, फोर्स बना के रखा, ये फ्रॉड किया इसके साथ ताकि ये एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन फाइल ना कर पाए। और यहाँ आकर यानी प्रेस्क्राइब पीरियड के बाद इसे पता चलता है कि ये तो मेरे साथ फ्रॉड कर रहा है, या इसने मेरे ऊपर फोर्स ऑब्टेन करके रखा था, और ये फोर्स अब सीज हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ से इस जजमेंट डेटर को एक साल और मिलेगा अपनी इस एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन को फाइल करने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। आई होप सेक्शन 17 का कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।